प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर का आपका जो है एग्ज़ाम अभी तो नहीं है, बट अभी आपका टाइम है ना, जो कि लगभग जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है फोर्थ सेमेस्टर का। तो इसमें आपका एक सब्जेक्ट पढ़ना है, सिविल इंजीनियरिंग सोशियोटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर नहीं है, बट फिर भी इसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज करिएगा, खुद से पहले बनाने की कोशिश करिएगा। बाकी सॉल्यूशंस वगैरह कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, उसके बारे में वीडियो के अंत तक या हो सकता है बीच में भी मैं बता दूँ, कभी भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बता रहा हूँ और क्या मैं बताना चाहता हूँ, आप क्या कर सकते हो कि आपका सेमेस्टर में अच्छा नंबर आए उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की चैलेंजेस इन डिजाइनिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन। आपको पता है कि आज के समय में शहरों में जो जनसंख्याएं हैं वो बढ़ रही है, तो जनसंख्याएं बढ़ रही है तो उसके कारण से कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उसको कैसे ओवरटेक किया जा सके है ना, और कौन से चैलेंजेस आती हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। दूसरा क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि हाउ कैन अ स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी बी इंटीग्रेटेड इनटू अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग में कैसे स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए ताकि जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो कंजेशंस आते हैं, आपको ऑब्वियसली अगर आप शहर में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर रोड पे बाइक या कार लेकर उतर गए, एक बार कहीं पे जाम लगा तो आप घंटों घंटों खड़े रहो, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट सिटीज़ टेक्नोलॉजी के साथ, वो चीज़ें से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड्स आएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो गूगल पे सर्च करके है ना, या किसी का वीडियो देख के। अगर इन टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो इन सारे सवालों का जवाब आपके हमारे इसी चैनल पे वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का सवाल आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार जो लोग भी आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए, उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। लाइक करने के लिए मैं कब बोलूँगा, जब आप पूरा अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और एक वैल्यूएबल कमेंट डाल दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्या आगे और भी इसी तरीके का सीरीज लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। इससे जैसे आपको मैं मोटिवेट करता हूँ कि ये चीज़ पढ़ोगे तो आप सेमेस्टर में अच्छा नंबर ला सकते हो, वैसे ही जब आप हमें लाइक करते हो हमारी वीडियो को और एक वैल्यूएबल छोटा सा कमेंट अगर आप कर देते हो कि हाँ आपका वीडियो अच्छा लगा और वीडियो लाइए, तो उससे हमें मोटिवेशंस मिलता है कि नहीं कई सारे लोग देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट रोल डज सिविल इंजीनियरिंग प्ले इन डिजास्टर रेजिलियंस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एरिया अफेक्टेड बाई नेचुरल डिजास्टर, है ना। ये आपका क्वेश्चन है कि रिकंस्ट्रक्शंस एरिया में कैसे अफेक्टेड होता है बाय नेचुरल डिजास्टर के कारण से, और कैसे टेकल आउट किया जा सकता है, सिविल इंजीनियर्स का उसमें क्या रोल होता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। चौथा क्वेश्चन है कि हाउ कैन यूज ऑफ लोकली सोर्स्ड मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन रिड्यूसिंग एनवायरमेंट इम्पैक्ट एंड सपोर्ट ऑफ लोकल इकोनॉमी। पाँचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द environmental impact of large scale dam project and how can they be mitigated. अगला क्वेश्चन है, what are the benefits and challenges of using green building material in construction. अगला क्वेश्चन है, how does transportation infrastructure design affect urban development and mobility patterns. उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, what role do public transportation system प्ले इन रिड्यूसिंग सिटीज कार्बन फुटप्रिंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांसमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग आर नेसेसरी टू अडॉप्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज राइजिंग सी लेवल और मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आपके सेमेस्टर में आएंगे। देखो सेमेस्टर पर्पस से तो पढ़ ही रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज रखो उसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स गेन करो। सेमेस्टर में आपको कई सारे कोर्सेज करवाए जाएंगे, जो भी कोर्सेज करो ना ईमानदारी से करो, ऑनेस्टली करो, ताकि उसमें आप महारत हो सको, उसको अच्छे से ग्रैब कर सको। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ कैन सिविल इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस थ्रू इनोवेशंस इन वाटर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज सिविल इंजीनियरिंग प्ले इन अचीविंग द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन सर्कुलर इकोनॉमी बी अप्लाइड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू रिड्यूस वेस्ट एंड रिसोर्सेज कंजम्पशन। व्हाट आर ग्लोबल चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग एफोर्डेबल हाउसिंग एंड हाउ कैन सिविल इंजीनियरिंग इनोवेशंस हेल्प एड्रेस दिस इशू। ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं, एफोर्डेबल हाउसेज कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, और सिविल इंजीनियरिंग इनोवेशंस किस तरीके से इस इश्यूज़ को ओवरकम कर सकता है, ये तमाम चीज़ें आपको है। देखो अगर आप सेमेस्टर करने के बाद आप फील्ड में जॉब करने जाओगे तो आपको कई सारे चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को आपको ही सॉल्व करना होगा, कोई और जो है नहीं सॉल्व करने आएगा। ये इन पॉइंट्स को आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है, जो भी चैलेंजेस होंगे उन चैलेंजेस को आपको खुद ही निपटना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज डिफर इन स्कोप एंड स्केल फ्रॉम दोज इन डेवलप कंट्री, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलप कंट्री में सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का किस तरीके से डिफरेंसेस होता है वो यहाँ पे बात आना है, एंड व्हाट इथिकल कंसिडरेशन अराइज, क्या इथिकल कंसिडरेशन अराइज होता है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज ऑफ रिलिंग हैविली ऑन कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन एंड आर देयर वीएबल अल्टरनेटिव्स। अगला है, हाउ कैन यूज एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन्स AI एंड 3D प्रिंटिंग रिवोल्यूशनराइज कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी ग्लोबली। इसके अलावा व्हाट आर द सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज हाईवे रेलवे ब्रिज, इन सभी को में जब हम लोग बनाते हैं ऑब्वियसली रेलवे बनता का स्ट्रक्चर बनता है या ब्रिजेस बनता है या हाईवे बनता है, तो उससे किसी भी नेशंस का डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा वातावरण अफेक्टेड होता है, तो वातावरण भी हमारा ज़्यादा अफेक्टेड ना हो, है ना, और सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाए, तो ये कैसे कर पाएंगे तो इन तमाम चीज़ों का जो चैलेंजेस आती हैं ना, इन चैलेंजेस को सॉल्व करना अपना अधिकार होता है, एक सिविल इंजीनियर का अधिकार होता है या सिविल इंजीनियर का काम होता है। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन सिविल इंजीनियर्स कोलैबोरेट विद पॉलिसी मेकर टू क्रिएट रेगुलेशंस डैट इंश्योर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिसेस। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन ब्रिजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन अंडर डेवलप्ड रीजन्स। अगला है, हाउ कैन बेटर सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एंड अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़। जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं, है ना, या फिर रूरल में मतलब गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है सिविल इंजीनियरिंग का यूज करके, या कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है ताकि उनका जो लाइफ ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो सके, तो इन तमाम पॉइंट्स के बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे देखा जाता है, इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इथिकल कंसिडरेशंस शुड सिविल इंजीनियर्स टेक इनटू अकाउंट व्हेन वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट
टू डिस्प्लेस कम्युनिटी और अफेक्ट द नेचुरल इकोसिस्टम्स। तो ये तमाम क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हैं। इसके अलावा आपका क्वेश्चन है व्हाट कैन सिविल इंजीनियर्स वर्क टू मिनिमाइज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ जेंट्रीफिकेशन वाइल डेवलपिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चंस मैंने बताया जो कि आपके एक सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस आपको जो डेवलपिंग स्किल्स हैं या जो डेवलपिंग प्रोसेस या कह सकते हैं चैलेंजेस जो हमारे आसपास देखने को मिलता है उन चैलेंजेस को भी आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट कर लिया होगा और वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप बनाने की कोशिश करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस क्या सिर्फ सॉल्व करने से हो जाएगा? नहीं, उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज अगर लेना है तो उसको समझना भी होगा और उसको कोशिश करना होगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करने का, है ना। या आसपास में कोई घटनाएं हो रही है तो उसको आप पिक्चर क्लिक करो, उसके बारे में एनालिसिस करो। जैसे कहीं पे रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, तो किस तरीके से रोड बन रहा है, हाईवे किस तरीके से बन रहा है, ब्रिज कैसे बन रहा है, कौन कौन से डेवलपमेंट आ रही हैं वहाँ पे, जो जेई हैं या जो जो काम कर रहे हैं या जो सुपरवाइजर, वहाँ पे जाओ, बात करो, वहाँ से उनसे पूछो कि यहाँ पे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो कौन कौन से दिक्कतें आई थी, उस पर एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करो। ये सारी चीज़ें, ये सारी स्किल्स जब आप अपने सेमेस्टर के दौरान करोगे ना, तो ये एट द एंड ऑफ सेमेस्टर या आपके डिग्री कंप्लीट होने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है जब आप किसी भी साइट पे काम करने जाओगे। तो कुछ नॉलेज आपको साइट का तो होना चाहिए, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अगर आपको पास रहेगा कि कैसे काम होता था, कैसे क्या दिक्कतें आती हैं, तो भी वो भी आपका हेल्प करता है। और अगर इन तमाम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। और वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताएंगे ये सारे का सॉल्यूशंस आपको हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे तो मिलेगा ही, जो लोग भी वीडियो कोर्सेज में इनरोल करेंगे उन लोगों को। बट जो PDF है, अगर हर क्वेश्चंस का PDF सॉल्यूशंस चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें, अपने तमाम साथियों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा अगर व्यू आता है या सब्सक्राइबर्स आते हैं तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर सोच सकता हूँ और PDF जो है आपको फ्री में टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा, तो ये चीज़ें मैं डिसाइड कर सकता हूँ। बाकी अगर रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो जो लोग ऐप पे हैं, हमारे कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, उनको तो मिलेगा ही PDF, वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेगा, उनको PDF भी मिलेगा। बट जो लोग फ्री में देखना चाहते हैं, फ्री में चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे जो है शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि आपको जो भी कॉलेज है उस कॉलेज में कई सारे ग्रुप्स बने होते हैं, है ना, तो उन ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें बोलिए कि देखो, और अपना एक वैल्यूएबल छोटा सा कमेंट दो कि आप क्या सोचते हो, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, है ना, क्वेश्चंस बताएं, क्या इस तरीके का क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर्स में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना। और अगर आते हैं तो उसका सॉल्यूशंस कैसे मिलेगा, ये भी आप पूछ सकते हो। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर करो, ताकि उस पर आपको और बेहतर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जा सके, उसका जो भी चैलेंजेस आपको आ रही हैं उन चैलेंजेस को कैसे टैकल कर किया जा सके, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।